आज से स्टार्ट करेंगे यूनिट फाइव इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस पहले हम लोग इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन हेल्थ देखेंगे उसके बाद फिर परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी पे और उसके बाद फिर रिलेशनशिप में ठीक है तो पहले हम लोग देखते हैं हेल्थ में क्या इफेक्ट डालता है स्ट्रेस हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन फ़िज़िकल हेल्थ फ़िजिकल हेल्थ में एक इंडिविजुअल के जो है स्ट्रेस इम्पैक्ट डालता है सो so, एक नंबर ऑफ इलनेसेस लाइक बहुत सारे इलनेसेस हो सकती है स्ट्रेस की वजह से जैसे कि कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर एक्स हो सकता है पेन हो सकता है अल्सर्स हो सकते हैं हाइपर डायबिटीज़ हो सकता है अस्थमा एंड हाइपर और कैंसर भी हो सकता है स्ट्रेस की वजह से सो स्ट्रेस कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन इम्यून सिस्टम इम्यून सिस्टम में भी इम्पैक्ट डालता है एक इंडिविजुअल का एंड दस द इंडिविजुअल में बिकम ईजिली प्रोन टू वेराइट इन्फेक्शन बहुत सारे इन्फेक्शन के लिए वो ईजीली प्रोन भी हो जाता है मतलब इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं उस इंडिविजुअल पर और इलनेस भी हो सकता है स्ट्रेस की वजह से या फिर एक्सेलरेट uh, एजिंग मतलब ज़्यादा जल्दी एजिंग भी हो सकती है अब बहुत सारे इन्फेक्शन uh, के लिए लोग प्रोन क्यों होते हैं क्योंकि एक इंडिविजुअल जो एक्सपीरियंस कर रहा है स्ट्रेस उसके जो रिसोर्सेज़ और एनर्जी है वो डाइवर्ट हो जाती है इम्यून सिस्टम से और उसके बाद लाइक like, वैसे जगह चले जाती है जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो हमारे रिएक्टिविटी में स्ट्रेस रिएक्टिविटी में जैसे ऑर्गेंस जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वैसे सिस्टम्स में वो चले जाते हैं एन इंडिविजुअल हु एक्सपीरियंसिंग स्ट्रेस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज वो डाइवर्ट हो रहा है एनर्जी और रिसोर्सेज इसकी वजह से वो ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं इन्फेक्शंस के लिए और इम्यून सिस्टम भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है मतलब यू you नो know, कम हो जाता है तो स्ट्रेस कैन रिलेट टू डेवलपमेंट ऑफ कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर स्ट्रेस की वजह से कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर भी हो सकता है एक इंडिविजुअल को वैन देर इज परसेप्शन ऑफ स्ट्रेस अगर कोई परसेप्शन देखने को मिलता है स्ट्रेस में तो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं so है, जैसे कि पल्स रेट बढ़ जाना या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाना सो एज सच द हार्ट टेंड्स टू बी ऑन अ रैपिड मोड रैपिड मोड में मतलब जल्दी जल्दी हार्ट वर्क करने लगता है एंड वर्क हार्डर मतलब ज़्यादा जोर लगा के काम करने लगता है वैन स्ट्रेस इज एक्सपीरियंस जब आप स्ट्रेस एक्सपीरियंस करोगे तो आपके पल्स रेट भी बढ़ जाता है इवन हार्ट हार्ट बीट भी बढ़ जाता है और इवन ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है सो अ स्ट्रेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमेशा ये कि ज़्यादा टाइम के लिए जो स्ट्रेस हमेशा आंसर में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ज़रूर लिखना या फिर प्रोलॉन्ग जरूर लिखना बिकॉज ज़्यादा टाइम के लिए जो स्ट्रेस हम फेस करते हैं उसकी वजह से हमें ये सारी चीज़ें होती है कम टाइम के लिए ऐसा कुछ नहीं होता विल हैव द हार्ट वर्किंग ओवर टाइम मतलब ज़्यादा टाइम के लिए अगर आप स्ट्रेस को एक्सपीरियंस कर रहे हो तो आपका जो हार्ट भी है वो ओवर टाइम काम कर रहा है मतलब ओवर काम कर रहा है और ज़्यादा टाइम के लिए कर रहा है लॉन्गर टाइम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड दैट कैन लेड टू डेवलपमेंट ऑफ कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर इसकी वजह से कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर हो सकता है फर्दर दर लाइफ स्टाइल ऑफ़ द इंडिविजुअल आगे अगर देखें तो लाइफ लाइफ स्टाइल जो होता है इंडिविजुअल का जैसे कि डाइट हो गया और न्यूट्रिशन इंटेक मतलब आप जो डाइट है या फिर जो न्यूट्रिशन आप ले रहे हो उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है लाइक वो लाइफ स्टाइल आप चेंज कर रहे हो और इवन जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो आप अगर नहीं कर रहे हो या फिर कम कर रहे हो या फिर जो ऑफ एल्कोहल मोस्टली स्ट्रेस अगर आप फेस कर रहे हो तो आप एक यू you नो know, अलग दिशा में जा सकते हो लाइक मे बी आप एक अनहेल्दी कंजम्पशन में जा सकते हो फिज़िकल एक्सरसाइज करने का भी मन नहीं करता और इवन जो लाइक like, जो डाइट भी कॉम्प्रोमाइज़ होने लगता है अल्कोहल हो सकता है ड्रग्स ले 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 लेना हो सकता है कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ सच डिसऑर्डर इन सारी चीज़ों की वजह से भी ऐसे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं नेक्स्ट आता है प्रोलॉन्ग स्ट्रेस कैन ऑल्सो कॉज हाइपर टेंशन हाइपर टेंशन भी हो सकता है ज़्यादा टाइम के लिए अगर आप स्ट्रेस को एक्सपीरियंस कर रहे हो एस सिंपथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है प्लस ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और बढ़ा ही रहता है बहुत लंबे टाइम के लिए एंड uh, जो प्रोलॉन्ग्ड हाइपरटेंशन होता है लाइक like बहुत ज़्यादा टाइम के लिए अगर आप हाइपरटेंशन में हो कैन आल्सो देन कैन अगेन लेट टू डेवलपमेंट ऑफ़ कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर मतलब हाइपरटेंशन की वजह से अगर ज़्यादा टाइम के लिए अगर आप हाइपरटेंशन में हो तो आपको कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर हो सकता है एंड कुड ऑल्सो लेट टू स्ट्रोक स्ट्रोक के चांसेस बढ़ सकते हैं या फिर जो किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं वो भी हो सकता है और जो ग्लूकोज और फैटी एसिड है ऑल्सो अक्यूमलेट इफ़ एन इंडिविजुअल हैज हाइपर टेंशन ठीक है ये भी एक्यूमलेट होता है मतलब यू नो बढ़ जाता है अगर आप ग्लूकोज और फैटी एसिड की बात कर रहे हो तो अगर आप स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहे हो तो ये भी चीज़ें बढ़ जाती हैं एक इंडिविजुअल में अगर वो हाइपर टेंशन ज़्यादा टाइम के लिए है और दैट इज़ इन टर्न कुड लेट टू फ्लिक्स प्लेक्स कह सकते हैं प्लेक्स इन द आर्टरी आर्टरी में प्लेक्स भी हो सकते हैं ठीक है फर्दर बहुत सारी हारमोन्स जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं और मैं एक और चीज़ बता देती हूँ कि रिलीज ऑफ केटेकोलोकोलोमिन सॉरी केटेकोलोमिन और कोर्टिकोस्टेरॉयड अगेन केटकोलोमिन और कोर्टिकोस्टेरॉयड जो होता है वो भी लाइक like, होता है एंड दैन एन इंडिविजुअल इज अंडर गोइंग स्ट्रेस एंड ऑल्सो है नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द आर्ट्रीज एंड हार्ट मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं वो रिलीज हो जाती हैं अगेन अगेन इसको प्रनाउंस करती हूँ कैटाकोलोमिन और कॉर्टिकोस्टोरॉइड जो होता है वो होता है और इंडिविजल अगर स्ट्रेस से होता हुआ जा रहा है तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आर्टरीज़ में और हार्ट में ठीक है सो वी समाइम्स कम अक्रॉस चिल्ड्रेन हम बहुत सारे जैसे चिल्ड्रेन से भी मिलते हैं जिनको एक स्टमक अपसेट होता है एग्जामिनेशन के टाइम पर बिकॉज वो स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं ना सो so, ये स्ट्रेस एक्सपीरियंस करने की वजह से हो सकता है अगर वो स्टमक अपसेट बता रहे हैं तो एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग स्ट्रेस अगर बहुत ज़्यादा टाइम के लिए स्ट्रेस हो रहा है अगेन एंड इंडिविजुअल कुड ऑल्सो डेवलप अल्सर अल्सर डेवलप कर सकते हैं या फिर इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम या फिर इन्फ्लेमेटरी बॉयल सिंड्रोम उसके बाद आता है एक्टिवेशन ऑफ सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम अगेन जो एक्टिवेट uh, हो जाता है जो भी सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम होता है दैट टेक प्लेस वेन एन एक्स वेन एक्स स्ट्रेस इज एक्सपीरियंस गुड लेट टू एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ओके सो अगर हम लोग देखें कि लाइक सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और जो भी इंडिविजुअल स्ट्रेस एक्सपीरियंस करें उन पर एंड गुड लेट टू एक्सेस प्रोडक्शन लाइक इसकी वजह से क्या होता है कि एक्सेस मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और पेप्सिन का विच इन टर्न गुड लेट टू पेप्टिक अल्सर इसकी वजह से पेप्टिक अल्सर हो सकता है देन आता है स्ट्रेस इज वन ऑफ द फैक्टर स्ट्रेस एक फैक्टर है दैट कैन ऑल्सो लेट टू इंडिविजुअल्स डेवलप अस्थमा स्ट्रेस की वजह से अस्थमा भी हो सकता है अस्थमा का मतलब जो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है ना वो सो अस्थमा इज डिनोटेड बाय ब्रीथिंग प्रॉब्लम ब्रीथिंग प्रॉब्लम से हम डिनोट कर सकते हैं दैट अकर वेन द ब्रोंकायल एयरवेज़ जो ब्रोंकाइल एयरवेज होती हैं जब वो ब्लॉक हो जाती है तब तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है सो दिस ब्लॉकेज कुड बी ड्यू टू म्यूकस म्यूकस की वजह से ये ब्लॉकेज हो सकता है मतलब ये जो ब्लॉक हो जा रहा है ना जो ब्रोंकाइल एयर एयरवेज जो है या फिर जो इन्फ्ले इन्फ्लेशन की वजह से हो सकता है या फिर स्पेसम की वजह से हो सकता है देन आता है कि अगर ज़्यादा टाइम के लिए अगर आप फिर से स्ट्रेस ले रहे हो तो लेट टू अकरिंग ऑफ कैंसर कैंसर भी हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो तो उसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है जैसे कि माइग्रेन हो गया माइग्रेन जो होता है एक हेड एक होता है एक साइड मतलब सर के एक साइड में होता है दैट एन इंडिविजुअल में एक्सपीरियंस फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लाइक एक बहुत ज़्यादा टाइम के लिए अगर आप स्ट्रेस को एक्सपीरियंस कर रहे हो तो उसकी वजह से सर के एक साइड में दर्द देता उसको है उसको हम लोग माइग्रेन कहते हैं उस हेडेक को एंड स्ट्रेस इज वन ऑफ द फैक्टर स्ट्रेस एक फैक्टर होता है माइग्रेन के लिए एक इंडिविजुअल के uh, एक इंडिविजुअल को माइग्रेन से होना पड़ेगा बिकॉज वो ज़्यादा स्ट्रेस लिया था ये एक वन ऑफ द फैक्टर है एंड स्ट्रेस ऑल्सो हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इम्यून सिस्टम और स्ट्रेस का एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है या इम्पैक्ट पड़ता है इम्यून सिस्टम में स्ट्रेस कैन ऑल्सो कॉज हाइपर थायरोडिज़म भी हो सकता है स्ट्रेस की वजह से अगेन फिर से यही कहा गया है कि अगर आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा टाइम के लिए एक्सपीरियंस कर रहे हो उसका एक ने ने नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है थायरॉयड ग्लैंड में भी ठीक है थायरॉयड में भी आपको एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ पर, पड़ता हुआ दिखेगा जैसे कि ये एक वैसा ग्लैंड होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है मेटाबॉलिज़म के लिए और जो रेगुलेट करता है बहुत सारे जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं ना उसको रेगुलेट करता है सो स्ट्रेस कैन नॉट ओनली इफेक्ट द रिलीज़ ऑफ हारमोन सिर्फ हारमोन के रिलीज़ में ही इफेक्ट नहीं डालता जैसे कि जो पिटोटरी ग्लैंड है और जो स्टिमुलस uh, थायरॉयड है इनके लिए ही नहीं बल्कि ये रिड्यूस भी कर देता है ऑल्सो रिड्यूज द सॉरी कन्वर्जन टू टी थ्री हारमोन टी थ्री का जो यहाँ पे लिखा हुआ है ओके okay, बताती हूँ सो so, ये भी रिड्यूस कर देता है तो इस पर भी इम्पैक्ट डालता है स्ट्रेस स्ट्रेस जो है टी थ्री का मतलब होता है ट्राई uh, डो अच्छा ट्राई आई ओ डो ओके अगेन ट्राई आई ओ डो थायरोनिन ओके ऐसा प्रनाउंस करते हैं ओके okay, फिर से कर लेना दस द फंक्शनिंग ऑफ द थायरॉयड कैन गेट इफेक्टेड लाइक जो फंक्शनिंग है थायरॉयड का वो भी इफेक्ट पड़ता है उस पर एंड वेरियस हारमोन्स रिलीज़ होने लगते हैं लाइक like, बहुत सारे हारमोन्स जो होते है वो रिलीज़ होते हैं जब आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं उस स्ट्रेस को एंड दिस कैन लेट टू इंक्रीज़ इन लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड ठीक है ग्लू मतलब ज़्यादा बढ़ा देता है ब्लड में जो ग्लूकोज ऑरिजिनली होता है तो स्ट्रेस आप जब एक्सपीरियंस करते हो तो वो लेवल बढ़ा देता है ग्लूकोज का फरदर स्ट्रेस कैन ऑल्सो कॉज एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन ऑब्वियसली स्ट्रेस की वजह से हमें एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी फेस करना पड़ सकता है सो वेन एन इंडिविजुअल इज एक्सपीरियंस बाय सॉरी वेन स्ट्रेस इज़ एक्सपीरियंस बाय एन इंडिविजुअल अगर कोई स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहा है कोई इंडिविजुअल ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए दिस इन्स अ रिलीज ऑफ न्यूरो Transmitters, okay तो इसका मतलब न्यूरो जो होता है, वो रिलीज हो रहा है ये एक वैसा केमिकल होता है जो ट्रांसमीट करता है जो भी सिग्नल होता है न्यूरॉन्स के बीच में so, so, okay, सोरोन और जो एड्रेन एड एड्रे, सॉरी एड्र जो होता है ये भी होता है ठीक है सो आफ्टर द रिलीज ऑफ दिस न्यूरो ट्रांसमीटर्स ठीक है जब ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज़ हो जाता है तो जो स्ट्रेस होता है जो भी रिलेटेड होता है हारमोन से वो रिलीज़ होने लगता है एंड दिस कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन एरिया ऑफ ब्रेन ब्रेन में इफ़ेक्ट डालने लगता है कौन से एरिया में जो भी रिलेवेंट होता है मेमोरी के लिए और रेगुलेशन ऑफ इफेक्ट ठीक है वैसे एरियाज़ में इम्पैक्ट डालने लगता है सो वेन स्ट्रेस इज एक्सपीरियंस जब स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहा होता है कोई इंडिविजुअल ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए दैन देर इज़ अ नेगेटिव इफेक्ट एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है ऑन ऑन द वे दे दिस सिस्टम फंक्शन जिस तरीके से वो सिस्टम फंक्शन कर रहा है उस चीज़ में इम्पैक्ट डाल सकता है अफेक्ट डाल सकता है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ द इंडिविजुअल इस प्रोन् टू डेवलपिंग एन एनगैटी एंड डिप्रेशन इसकी वजह से चांसेस बढ़ा देता है ये चीज कि आपको एंगजाइटी हो या डिप्रेशन हो ठीक है फर्दर डिप्रेशन कैन ऑल्सो भी लिंक टू एक्सटेंडेड एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम जो एक्सटेंडेड एक्टिवेशन है इम्यून सिस्टम का इसकी वजह से भी डिप्रेशन uh, हो सकता है ये दोनों लिंक्ड है एंड दिस इज़ अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस एक्सपीरियंस बाय इंडिविजुअल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ठीक है सो so, ये रिजल्ट हो सकता है कि अगर एक इंडिविजुअल ज़्यादा टाइम के लिए स्ट्रेस फ़ेस कर रहा है एक्सपीरियंस कर रहा है उसकी वजह से हो सकता है नेक्स्ट आता है पी जो एक एक्सट्रीम uh, स्ट्रेस है दैट कैन ऑल्सो लेड टू डेवलपमेंट ऑफ पी मतलब एक बहुत ही एक्सट्रीम स्ट्रेस अगर आप फेस कर रहे हो जैसे कि कुछ भी हो सकता है कोई अर्थक्वेक uh, से फेस किया हुआ है मतलब कोई अर्थक्वेक फेस किया हुआ है या सुनामी आ गया था तो उस चीज़ को उन्होंने फेस किया है तो वो उसको एक्सट्रीम स्ट्रेस कहेंगे जो कि लाइक पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है कोई ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस उन्होंने लिया है उसके बाद जो स्ट्रेस होता है उसको कहते हैं तो पीटीएसडी में डेवलप इन एन इंडिविजुअल आफ्टर ही शी एक्सपीरियंसिस आ ट्रॉमेटिक सिचुएशन किसी ट्रॉमेटिक सिचुएशन को एक्सपीरियंस करने के बाद किसी को पीटीएसडी हो सकता है सो यू कैन मस्ट हैव हर्ड तुमने सुना होगा कि लाइक जो सोल्जर्स हैं आफ्टर वॉर उनको पीटीएसडी हुआ है और इंडिविजुअल्स डेवलपिंग स्ट्रेस सॉरी पीटीएसडी आफ्टर एक्सपीरियंसिंग अ नेचुरल डिजास्टर कोई सोल्जर को वॉर के बाद हो सकता है या फिर कोई नॉर्मल इंसान है जिसको नेचुरल कैलेमिटी के बाद पीटीएसडी फेस करना पड़ा है इसका मतलब एक्चुअली ये होता है कि जो फ्लैशबैक्स आती है ना उसी चीज़ का मतलब अगर किसी ने बाढ़ को फेस किया है तो अगेन एंडेन फ्लैश फ्लैशबैक आएगा उसी बाढ़ का सीन अगेन अगेन उसके दिमाग में आता रहेगा उस चीज़ को बोलते हैं सो so ये जो सिम्टम होती है स्ट्रेस का लाइक सॉरी पी का जो सिम्टम्स होता है उसमें फ्लैश या फ्लैश आने लगते हैं या फिर अनकंट्रोलेबल थाट्स ऐसे थाट्स जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसी ट्रामेटिक इवेंट का अगेन एंड अगेन आपको फ्लैशबैक आता रहेगा सो so, इस चीज़ को कहते हैं तो दिस अगेन हैव लिंक्ड टू द डिसरप्शन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ स्ट्रेस ये अगेन ये भी लिंक्ड है जो भी डिस्टरपन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ स्ट्रेस जो फंक्शनिंग है स्ट्रेस का जो कि रिलेटेड है हार्मोन से और न्यूरो ट्रांसमीटर से दैट आर नॉर्मली रिलीज आफ्टर स्ट्रेस इस एक्सपीरियंस जो नॉर्मली रिलीज होती है जब आप एक्सपीरियंस करते हो किसी स्ट्रेस को सो so, उस चीज़ से रिलेटेड है देन आता है स्ट्रेस कैन ऑल्सो लेट टू इंटलजेंस ऑफ द इंडिविजुअल इन अनहेल्दी कोपिंग बिहेवियर ओके सो स्ट्रेस अगर कोई इंडिविजुअल फेस कर रहा है तो उसको मन करेगा कुछ एक अनहेल्दी कोपिंग बिहेवियर मतलब अनहेल्दी वे में आप डील कर रहे हो स्ट्रेस के साथ ठीक है सो विच कैन ऑल्सो इन्वॉल्व सब्सटेंस यूज सब्सटेंस यूज जैसे कि अल्कोहल यूज़ करके ड्रग यूज़ करके ये एक अनहेल्दी कोपिंग बिहेवियर है सो दिस इन टर्न ऑल्सो सॉरी इन टर्न कैन नॉट ओन रिलेट टू एडिक्शन इसकी वजह से ना ही सिर्फ एडिक्शन हो सकता है बट कैन हैव डिट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन है एक बहुत ही बुरी तरीके से इफेक्ट डाल सकता है हमारे हेल्थ में बिसाइड्स अ पर्सन अंडर स्ट्रेस अगर कोई इंसान स्ट्रेस में है तो इसको अगर छोड़ दें अगर साइड में रखें वे ऑल्सो इंगेज इन अनहेल्दी लाइफ स्टाइल ठीक है मतलब एल्कोहल या फिर ड्रग तो चलो होता है ठीक है अगर ऐसा ना भी हो अगर इस चीज़ को साइड में भी रखें तो जो अनहेल्दी लाइफ हो सकता है लाइक like ऑब्वियसली कोई इंसान अगर स्ट्रेस में है तो उसका लाइफ अनहेल्दी वे में चेंज हो जाता है लाइक द दे मे नॉट एक्सरसाइज वो उसको उनको एक्सरसाइज करने का मन नहीं कर रहा तो वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे मेंटेन हेल्दी डाइट अच्छे से हेल्दी डाइट भी मेंटेन नहीं कर रहे एंड मे even इन in अनहेल्दी ईटिंग बिहेवियर मतलब यू you नो know, खाना स्किप कर रहे हैं ये भी हो सकता है या फिर अनहेल्दी खा, खा रहे हैं ये भी हो सकता है सो so, बहुत कुछ खाने का मन नहीं करता उस टाइम पर तो फिर वो कुछ भी खा सकते हैं तो इसकी वजह से उनके डाइट पर इफेक्ट पड़ सकता है अनहेल्दी खाने की वजह से या कम खाने की वजह से दस इट कैन बी सेट दैट स्ट्रेस कैन हैव ए नेगेटिव इफेक्ट ठीक है तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस का हम हमारे ऊपर हमेशा नेगेटिव इफेक्ट ही पड़ता है किसी की फिजिकल हेल्थ में इवन मेंटल हेल्थ में तो फर्दर इट कैन आल्सो इम्पैक्ट ऑन वंस लाइफस्टाइल किसी की लाइफस्टाइल में भी इम्पैक्ट डालता है एंड बिहेवियर में भी विच इन टर्न हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन वंस ओवरऑल हेल्थ ठीक है तो उसके लिए पूरे ओवरऑल हेल्थ में एक इंडिविजुअल का इफेक्ट डालता है स्ट्रेस ठीक है इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जस्ट इन फाइव विलनेसेज दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू स्ट्रेस बहुत सारे बताएं कुछ भी पाच लिख दो एंड हाउ कैन स्ट्रेस लेड टू डेवलपमेंट ऑफ कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर इन इंडिविजुअल ये एक्चुअली आपके थर्ड पैराग्राफ में एक सेकेंड में दिखाती हूँ रहा स्ट्रेस कैन लेट टू डेवलपमेंट ऑफ कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर इन इंडिविजुअल ये बहुत अच्छे से लिखा हुआ है एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग गुड बाय